हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो ओडीआई सीरीज खेला जा रहा है उसके दूसरे मैच के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके आप जा सकते हो। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ग्राउंड पर कैसा क्या प्रदर्शन रहता है प्लेयर्स का, बैटर ज्यादा अच्छा करते हैं, बॉलर ज्यादा अच्छा करते हैं या फिर ऑलराउंडर बढ़िया करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बाकी प्लेयर्स ने रिसेंट परफॉर्मेंस में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, लाइक अगर लास्ट के 5 मैच का उनका रिकॉर्ड दिखाएंगे, अगर अच्छा किया उन्होंने तो हम उनको स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे और थोड़ा बहुत बेकार प्रदर्शन है तो उनको हम जीएल में रोटेट करके चलेंगे। उसके बाद हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट जो जीएल खेलते हैं उनके लिए कि प्लेयर्स ने पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, सेकंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहली इनिंग में तो काफी अच्छा करते हैं बट सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं तो पहली इनिंग में फ्लॉप रहते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, बस आपको करना क्या है वीडियो को शुरू से अंत तक देखने बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए हुए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैच आपको संडे को 27 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पर। ताकि वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारे अपडेट रहते हैं लाइक प्लेइंग 11 में चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, पिच रिपोर्ट में चेंजेस, ये सारे चेंजेस अगर आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं वहां पर दे देता हूँ। क्योंकि देखो अगर आप ज्वाइन रहोगे तो आपको लास्ट मिनट के हर एक चीज मिल जाएगा, आफ्टर मैच में आपको विनिंग स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, अपना रिजल्ट कैसे रहता है तो आपको भी लगेगा कैसा क्या रिजल्ट रहता है उसके हिसाब से आप भी खेल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जाकर चेकआउट कर लेना। पिच रिपोर्ट बता देता हूँ, यहाँ का मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाया नहीं बट ओवरऑल पिच रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। लास्ट मैच में 227 रन बना था जहां पर जो न्यूजीलैंड इंडिया का टीम ने स्कोर किया था और सामने जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई थी तो 170 के आसपास वो ऑल आउट हो गए थे। तो यहाँ पर जो टीमें सेकंड बैटिंग कर रही है उनको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मैं आपको पिच रिपोर्ट नहीं दिखाऊं, जस्ट ओवरऑल आपको समझा दूं कि स्पिनर्स को अपने टीम में मैक्सिमम ट्राई करके चलना है एंड विकेट स्लो हो जाता है सेकंड इनिंग में तो स्पिनर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है और जो टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है सिर्फ उनको ही अपने टीम में ट्राई करके चलना, क्योंकि वही फिर अच्छे खासे रन स्कोर करके जाएंगे। बाकी मैं लास्ट का पिच रिपोर्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी देखो लास्ट के 5 मैच का रिसेंट परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो 5 में से 4 मुकाबले इंडिया की टीम जीत करा रही है और 5 में से 1 मुकाबले आपको न्यूजीलैंड के जीत करा रही है। तो न्यूजीलैंड का रिसेंट में बहुत ही बुरा हाल है, वहीं पर जो इंडिया के बाद के जो ठीक ठाक रिसेंट में करके आ रही है, वहीं पर अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा अपर एंड रखते हुए दिख रही है न्यूजीलैंड की टीम, बट एक होम ग्राउंड का भी एडवांटेज इंडिया के पास है तो इसकी वजह से इंडिया को इस मैच में थोड़ा बहुत फेवरेट करके जा सकते हो। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो यहां से स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दयालन हेमलता, जेमिमा रोड्रिग्यूज, तेजल हसाबिनीस, उसके बाद यहाँ से दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, श्यामा ठाकुर और यहाँ से रेणुका सिंह आपको प्लेइंग 11 में इनके तरफ से दिख सकती हैं। अगर स्टार्टिंग ओवर का बात किया जाए तो रेणुका सिंह, अरुंधति रेड्डी, श्यामा ठाकुर और डेथ में आपको रेणुका सिंह, श्यामा ठाकुर और दीप्ति शर्मा आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। मैक्सिमम ओवर आप रेणुका और दीप्ति से ये एक्सपेक्ट करके चलना, श्यामा 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी लेकर आ सकती है। बात करते हैं जो इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के और किसको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है। लास्ट मैच में स्मृति मंदाना फ्लॉप हो गई तो सब लोग इनको ड्रॉप करके जा रहे हैं, बट उससे पहले उनका प्रदर्शन देखो 90, 136, 117 अच्छे स्कोर कर रखे, ये नहीं कहूंगा कि यहीं पर भी सेम ऐसे स्कोर करेंगे क्योंकि ये विकेट स्लो है तो आप 50+ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इनसे और एक ओडीआई में बढ़िया पारी खेलती हुई आ रही है तो अपने टीम में भी ट्राई कर लेना। और अगर कोई बैट्समैन में कैप्टन या वाइस कैप्टनसी ढूंढ रहे हो तो स्मृति मंदाना सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बाकी शेफाली वर्मा की बात करें तो 33, 25, 20, 7 और 1, देखो एक पावर हिटर बल्लेबाज है, मैक्सिमम टाइम पावर हिटिंग करते हुए आउट होती है बट यही है कि पिच स्लो हो गया, अगर ये धीरे धीरे पारी को बढ़ाती है तो ये अच्छे खासे रन स्कोर कर सकती है, वैसा पॉसिबल नहीं है बट एक रिस्क लेंगे हम इनको अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करने का। यास्तिका भाटिया वो विकेट कीपिंग सेक्शन से मिलेंगी और सबसे बेस्ट विकेट कीपर अभी जो 3 में अवेलेबल है, इसाबेल गेज, मैडी ग्रीन और यास्तिका भाटिया में से सबसे बेस्ट आपको यही ऑप्शन है। भले इन्होंने लास्ट मैच में 37 रन स्कोर किया जो कि एक ठीक ठाक है, इस पिच के हिसाब से देखा जाए तो मैं अपनी टीम में इनको बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलूंगा। और अगर आप जीएल खेल रहे हो तो मैडी ग्रीन और इसाबेल गेज पे आप रिस्क लेके
जा सकते हो। दयालय निमलता लास्ट मैच में इन्होंने गेंदबाजी भी कराई थी और बल्लेबाजी भी की थी, बल्लेबाजी से भी फ्लॉप रही थी और गेंदबाजी से भी फ्लॉप रही थी, तो आप इनको जीएल में ट्राई करके जा सकते हो। स्मॉल लीग के लिए थोड़ी रिस्की पिक रह सकती है। बाकी जमीमा का बात किया तो इन्होंने भी 35 रन के एक स्कोर किया था, बट वही है कि सबको हम ट्राई नहीं कर सकते, तो इसके वजह से हम इनको जीएल में रोटेट करके चलेंगे। क्योंकि अगर देखो मिडल ऑर्डर भी अगर जब तक सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी आएगी तब तो मैं बिल्कुल भी ड्रॉप पिक नहीं करूंगा, बट वही है कि पहली इनिंग में जब तक इनकी बैटिंग आती है तब तक विकेट स्लो होने लगता है, तो इनके पास उतना अच्छा मौका नहीं रहेगा रन स्कोर करने का। तेजल हसबनीस की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच में 42 रन स्कोर किए थे, तो आप इनको जीएल में ट्राई करके चलना, एक्सपीरियंस नहीं है, लास्ट मैच में भले स्कोर कर लिए उसके बेस पे 23% लोग इनको पिक कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, क्या पता स्कोर कर दे, बट मेरे हिसाब से इस मैच में उतने अच्छे स्कोर नहीं करेंगी। दीप्ति शर्मा ये आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से योगदान करती है और ये जिस तरह से बल्लेबाजी करती है इनके लिए ये पिच सुटेबल है, तो वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी जरूर इस मैच में इनको देकर आप जाना, आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगी। अरुंधति रेड्डी 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट, इन्होंने हर एक मैच में 1 विकेट एटलीस्ट निकाले ही है और रन भी स्कोर कर सकते हैं एज ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए, तो अरुंधति रेड्डी को मैं अपनी टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जाऊंगा। बाकी श्यामा ठाकुर का बात किया जाए तो इन्होंने भी लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले लेते और इंपॉर्टेंट ओवर करा सकते हैं, तो इसके वजह से मैं श्यामा ठाकुर को अपनी टीम में पिक करने का एक रिस्क लेता हूं। रेणुका सिंह को बदले, मतलब रेणुका सिंह को भी ट्राई कर लूंगा, बट श्यामा ठाकुर मेरे मेन गेंदबाज के रूप में, मैं अपने तेज गेंदबाज के रूप में इंडिया की तरफ से मैं इनको ट्राई करूंगा। राधा यादव लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले थे, तो इनको तो आप मिस कर नहीं सकते, राधा यादव डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग की टीम के बाय डिफॉल्ट चॉइस होंगी और इनको जीएल में कैप्टन से वाइस कैप्टनसी देके चलना। बाकी रेणुका सिंह का बात करें तो लास्ट मैच में विकेटलेस रही थी, तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज 80 से डायरेक्ट 40% पे आ गया है, यही एक मैच में विकेटलेस रही, तो रेणुका सिंह मैं अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा और मतलब इनको थोड़ा बहुत सेकंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो, पहली इनिंग में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूंगा मैं। बाकी उमा छेत्री, प्रिया मिश्रा और श्रीलंका पाटिल ये तीन आपको बेंच पे दिखेंगे, अगर इनमें से कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी देखो स्मृति मंदाना सैफ अली वर्मा दोनों को मैं बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा, यहाँ से आस्तिका भाटिया बाय डिफॉल्ट, दयालय नमलता जीएल में ट्राई करूंगा, जमीमा तेजल दोनों को जीएल में, उसके बाद यहाँ से दीप्ति शर्मा स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, अरुंधति रेड्डी स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट, श्यामा ठाकुर, राधा यादव दोनों बाय डिफॉल्ट और रेणुका सिंह बाय डिफॉल्ट। मैं इंडिया की तरफ से एक भी बॉलर को नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे ट्राई करके जा रहा हूँ जो आपको गेंदबाजी कर सकती है, और अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करती है तब तो भूल जाकर मैं किसी को भी ड्रॉप करने वाला हूँ, बॉलिंग में बात कर रहा हूँ। बाकी देखो ये मैच हमें कहाँ खेलना है, देखो मैं तो ये मैच आपको माई ग्राउंड 11 पर खेलूंगा, क्यों खेलूंगा, देखो यहाँ पर एंट्री फीस आपको फ्री मिलता है हर एक मैच में, और मैं आपको स्क्रीन शॉट भी शेयर करता हूँ के लिए कि देखो अगर 500 का लीग बना रहता है मेंबर का तो उसमें ना सिर्फ 10-20-30 बंदे रहते हो, तो हम आराम से फ्री कॉन्टेस्ट के पैसे जीत सकते हैं। सबसे बड़ा यहां पर फायदा है कि ये रहता है एंट्री फीस दूसरे ऐप के मुकाबले काफी कम पे करना पड़ता है, इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है, तो एक चीज का ये फायदा आपको हर एक मैच में मिलेगा। मान लो अगर पहले ओवर में विकेट गिर जाता है तो आप यहाँ पर आके आराम से चेंजेस कर सकते हो और फायदा मिलेगा, क्योंकि जो मेन बैट्समैन आउट हो गया है सब लोग उनका पिक करके आज जा रहे हैं और मैं एक्टिव हूं, मैं उनको ड्रॉप कर दिया तो मेरा कंफर्म हो जाएगा 1 साइड जीतने का। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखो और थोड़ा सा स्मार्टली चूज करो कि कौन सा ऐप बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड आएगा, उसके बाद रेफरल बहुत चीजें हैं, जाकर एक बार डाउनलोड करोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं हर एक चीज यहाँ पर दिखा नहीं सकता, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर चेकआउट कर लेना और अच्छा लगे तो डाउनलोड कर लेना, और मेरा रेफर कोड प्राइम वर्ल्ड यूज करोगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल सकता। बाकी न्यूजीलैंड वुमेन्स की प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो सूजी वेट्स, जॉर्जिया प्लीमर, लॉरेन डाउन, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, इसाबेल गेज, अमिलिया कर, उसके बाद इडन कार्सन, फ्रैन जोनास, उसके बाद यहां से मॉली पेनफोर्ड, सॉरी आप फ्रैन जोनास के प्लेस पे वो आपको खेलेंगे, यहां पर जेस्कर आपको रहेंगी, फ्रैन जोनास गलती से फ्रैन जोनास के बल्ले आपको जेस्कर रहेंगी। बाकी चलो मैं आपको स्कोर जब दिखाऊंगा तब बता दूंगा क्या क्या रहेगा। बाकी स्टार्टिंग ओवर आपको यहां से इडन कार्सन, मॉली पेनफील्ड और जेस्कर कराएंगे, और डेथ में आपको जेस्कर, अमिलिया कर और इडन कार्सन आपको डेथ में गेंदबाजी करती हुई दिख जाएंगी। बात करते हैं जो इनके प्लेयर्स हैं उनके रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो सूजी बेट्स 1+1 24+5 16 16+1 28+2, इन्होंने हेड टू हेड में 11 मैच में 285 रन, 25 कैवरेज और 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, लास्ट मैच में इन्होंने 4 से 5 ओवर की गेंदबाजी भी कराई थी, तो सूजी बेट्स अब इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि एज ए ऑलराउंडर की भूमिका निभा रही है, तो बाय डिफॉल्ट इनको ट्राई करके चलना। जॉर्जिया प्लीमर की बात किया जाए तो इस पिच के हिसाब से इनको तो मैं डेफिनेटली इनको जीएल में ट्राई करके चलूंगा, क्योंकि मेरे को उतनी अच्छी चॉइस नहीं लग
लग रही है, क्या पता रन स्कोर कर दे, इसके वजह से जीएल में हम इनको ट्राई करके जा सकते हैं। लॉरेन डाउन ये भी उतनी अच्छी चॉइस नहीं है, इन्होंने लास्ट मैच में 26 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं और हेड टू हेड में 25 का एवरेज होल्ड करती है और वेन्यू पर भी। तो डेफिनेटली आप लॉरेन डाउन को ट्राई करना चाहते हो तो जीएल में कर सकते हो। सोफी डिवाइन, देखो सोफी डिवाइन का भी अब ऐसा सीन हो गया ना कि रन स्कोर नहीं करती ज्यादातर मैचेस में और बॉलिंग में 2 से 3 ओवर ही कराती है। तो सोफी डिवाइन को मैं थोड़ा सा इस मैच में पहली बार रिस्क ले रहा हूं इनको ड्रॉप करने का, नहीं तो मैं इनको बहुत काफी मतलब अच्छा रेट करता हूं बल्लेबाजी में क्योंकि बहुत तगड़ी बल्लेबाज है, बट इस मैच में मैं ड्रॉप करके जा रहा हूं एज अ पिच के हिसाब से। बाकी मैडी ग्रीन और ब्रूक हॉलीडे, मैडी ग्रीन को तो बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कर देना और ब्रूक हॉलीडे को हो सके तो आप जीएल में ट्राई कर लेना, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से योगदान कर रही है, हो सके तो मैं स्मॉल लीग में भी इनको ट्राई कर सकता हूं आफ्टर टॉस। बाकी इसाबेल गेज इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना। बाकी अमिलिया केर लास्ट मैच में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आई थी बट फिर भी 25 रन प्लस 4 विकेट इन्होंने पिक कर लिया था, बट इनको आप कैप्टनसी जरूर दे के चलना क्योंकि जिस तरह से फॉर्म में वैसे हर एक मैच में 2-3 प्लस विकेट निकाली रही है तो कैप्टनसी के लिए सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगी। बाकी जेस केर को आप जीएल में ट्राई कर लेना, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, सब लोग इनको ट्राई करके जा रहे हैं बट मैं इनको नहीं ट्राई करूंगा, मैं जस्ट अपने लिए बताऊं कि जीएल में मैं ट्राई करूंगा। इनको आप चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट भी पिक कर रखा है। एडन कार्सन की बात किया जाए तो इन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट पिक किया बट वही एक स्पिनर है, सेकंड इनिंग में भी काम आ जाएंगे और पहली इनिंग में भी काम आ जाएंगे तो इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी मॉली पेनफोल्ड इनको तो आप भूल कर भी स्मॉल लीग में ट्राई करना क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं, सबसे पहली बात यह है और इन्होंने लास्ट के कुछ मैचेस में विकेट नहीं निकाले तो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी डाउन है और इनका ओवर भी कट हो जाता है। बाकी इनके तरफ से अगर बेंच पे बात किया जाए तो हना रोए, पॉली इंग्लिश और लिया ताहू रहेंगे, अगर कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी सीएनबीसी में बात करें तो अमिलिया कर, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदना तीनों बेस्ट ऑप्शन है सीएनबीसी के लिए स्मॉल लीग में, और जीएल में शेफाली वर्मा, एडन कार्सन और राधा यादव तीनों ही स्पिनर है और विकेट निकाल सकते हैं और शेफाली वर्मा तो बैट्समैन प्रॉपर है, मैं जस्ट उनको बताते कि स्पिन गेंदबाजी भी कर सकती है तो टीम चाहे तो इनसे भी गेंदबाजी कर सकती है बट हम बैटिंग के बेस पे ज्यादा इनको जीएल में ट्राई करने के लिए आपको बोल रहे हैं। कर लेते हैं बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, मैंने ट्राई कर रखा है यास्तिका भाटिया के लिए, ये आपके लिए भी सेफ टीम है मैंने दे रखा है और मैं भी अपने सेफ के लिए पिक करके जा रहा हूँ। मैं जो आफ्टर टॉस की होगा उसमें एक रिस्की टीम दूंगा जिसके साथ मैं खेलूंगा क्योंकि देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर जीतना है तो, ये सेफ टीम है बिल्कुल, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं। बाकी बैटिंग सेक्शन से स्मृति मंदना, सुजी वेट्स और शेफाली वर्मा को ट्राई कर रखा है, ऑलराउंडर से मैंने अमिलिया केर, दीप्ति शर्मा ये दोनों को ट्राई कर रखा है, और अगर बैटिंग बॉलिंग से बात किया जाए तो ईडन कार्सन, राधा यादव, जेस केर, अरुण दत्ती रेड्डी और श्यामा ठाकुर, मैंने जेस केर को ड्रॉप करने के लिए कहा था बट अभी के लिए मैंने ट्राई किया, इनके प्लेस में मैं ब्रूक हॉलीडे या किसी और को ट्राई कर लूंगा, ये सेफ टीम है। रिस्की टीम में आपको बताता हूं, देखो यहां से जेस केर को ड्रॉप करके ब्रूक हॉलीडे कर लेना ट्राई, और यहां से अरुण दत्ती रेड्डी के प्लेस पे रेणुका सिंह को आप ट्राई कर लेना, एक दो रिस्क ले लो काफी अच्छा रैंक ला सकते हो आप स्मॉल लीग की टीम में भी और यहाँ से जीएल में भी। कैप्टन से मैंने अमिलिया कर और वाइस कैप्टन से दीप्ति शर्मा को दे रखा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो को यहां तक देखा हो तो उसके लिए धन्यवाद।